हार गई जयाप्रदा, हार गई फिल्म अभिनेत्री और रामपुर से बीजेपी की लोकसभा उम्मीदवार जयाप्रदा। इस बार जयाप्रदा को नहीं मिल पाया रामपुर की जनता का आशीर्वाद और जयाप्रदा को हराया उन्हीं आजम खान ने, जो अपने विवादित बयानों को लेकर लगातार चर्चा में बने रहते हैं और लोकसभा चुनाव के दौरान भी। जयाप्रदा के लिए अश्लील और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने की वजह से विवादों में आ गए थे, लेकिन रामपुर की जनता ने जयाप्रदा के उन आंसुओं का मान नहीं रखा, जयाप्रदा के गुस्से का ख्याल नहीं रखा और जिता दिया उन्हें आजम खां को, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आजम खां को, जिनके बयानों को लेकर देश भर में बवाल मचता रहा है, देश भर में हंगामा होता रहा है। रामपुर की जनता ने 4,49,180 वोट जयाप्रदा को दिए, लेकिन 5,59,177 वोट हासिल कर बाजी मार ली समाजवादी पार्टी के आजम खान ने। आजम खान को 52.71% मत मिले, वहीं जयाप्रदा को 42.34%। रामपुर की जनता ने बाकी 9 उम्मीदवारों की जमानत जब्त करवा दी, यहां तक कि नोटा को भी रामपुर की जनता में से 6,577 लोगों ने वोट किया। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, जनता मालिक है और जनता ने फैसला कर लिया कि रामपुर की तरफ से उनका प्रतिनिधित्व इस बार फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा नहीं करेंगी, बल्कि समाजवादी पार्टी के नेता, दिग्गज नेता आजम खां करेंगे। तस्वीर बिल्कुल साफ है कि जयाप्रदा को अभी रामपुर में और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है।